सब्ज खूबसूरती साहली पट्टी वालों के लिए कीमती खजाना है, लेकिन कुदरत की ये नेमत मुसलसल बढ़ती आलूदगी और बिल्डर्स माफिया के निशाने पर है। रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। खुले आसमान के नीचे वसी समंदर की 300 किलोमीटर की साहली पट्टी सरसब्ज मैंग्रोव के बाइस सहरंगेज दिखाई देती है, लेकिन तेजी से कटते मैंग्रोव के दरख्त साहली पट्टी में एक माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि 6 लाख एकड़ पर फैले ये जंगलात बड़े जरे मुबादला का जरिया बन सकते हैं। हमारे जो इदारे हैं महकमा जंगलात है फार वो भी काम कर रहे हैं उनको, लेकिन इनके पास वो वसाइल नहीं है के पूरे जो ने ये जंगलात को जो मैंग्रोव माफिया उनको रोक सके। मैंग्रोव के ये जंगलात आबी हयात की अफजाइश का बड़ा जरिया है। हुकाम के मुताबिक ये जंगलात समंदरी सतह बढ़ने के खिलाफ हिफाजती दीवार का काम करते हैं। जिस तरह ये सब क्लाइमेट चेंज की जो एक वेव्स आई हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो फर्स्ट डिफेंस लाइन पे है वो ये मैंग्रोव हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि हालिया बरसों में हुकाम ने इंडस डेल्टा में लाखों पौधे लगाए हैं, लेकिन दरख्तों की कटाई ना रुक सकी। ग्रीन गोल्ड इसलिए भी है कि यहाँ पे ये जो ना ये कुदरती नर्सरी है झींगे और मछलियों की। यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में झींगे और मछलियाँ पाई जाते हैं और जो हमारे मुकामी लोग हैं उससे इन्हें अच्छी आमदनी हासिल होती है। कराची की आबी हयात और इन जंगलात को बड़ा खतरा सनती और घरेलू फजले से है, जो कि किसी बड़े माहौलियाती बहरान से कम नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते खतरात में मैंग्रोव के जंगलात कराची के साहिल के लिए हिफाजती दीवार का काम कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि नए मैंग्रोव के दरख्त उगाने के साथ साथ पहले से मौजूद जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाने की भी जरूरत है।